वेलकम बैक टू माय चैनल थम्स किचन। थम्स किचन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं ये तरबूज का जूस, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। गर्मी के दिनों में ये तरबूज बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और ये जूस हमें गर्मी से बहुत ही राहत दिलाएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तरबूज, जिसे हाफ काट कर मैंने फ्रिज में रख लिया था, ये पूरी तरह से चिल्ड है। अब इसे इस तरह से काट लेंगे। तरबूज अगर चिल्ड है तो इसमें अलग से बर्फ़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अलग से ठंडे पानी मिलाने की ज़रूरत है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसे गोलाकार में काट लें और इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेना है ताकि ये प्यूरी बन जाए। ये देखिए, अब तरबूज के इस जूस को हमें इस तरह से कोई भी छलनी लें और इसमें छान लें ताकि इसके बीज और इसके प्लम्स अलग हो जाएँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से चम्मच की सहायता से सारे जूस को अलग कर लें और ये प्लम्स को निकाल कर अलग रख दें। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे। काला नमक इस जूस को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे। नींबू के रस से इसका एक खट्टा मीठा सा फ्लेवर उभर कर आएगा। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वैसे तरबूज तो हल्का मीठा होता है, पर आप चाहें तो इसमें हाफ चम्मच चीनी और मिला सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे एक ग्लास में डालेंगे सर्व करने के लिए। ये तैयार है चटपटा सा फ्लेवर वाला तरबूज का जूस। अगर आप चाहें तो इसमें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ये तरबूज के पीस डाल सकते हैं। इसमें बीज बिल्कुल नहीं है। अब इसे पुदीना पत्ता के साथ गार्निश करें और ठंडा ठंडा सर्व करें।